हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस टाइम बज रहे हैं 5 और हम जा रहे हैं, आज छठ है तो घाट के उस पे जा रहे हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे, मेरे हस्बैंड हैं, ड्राइव कर रहे हैं। अभी हम आपको ले चल के दिखाते हैं कि यहाँ पर लखनऊ में कैसे छठ पूजा की जाती है। दोस्तों, हम लोग ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने से होके गुजरने वाले हैं और आगे आप देख सकते हैं ये लखनऊ यूनिवर्सिटी वाला मेट्रो स्टेशन है जिसके पुल के नीचे से हम लोग गुजर रहे हैं। और यहाँ से बढ़ते हुए हम हनुमान सेतु मंदिर के सामने वाले घाट पे जाएंगे जहाँ पर छठ पूजा का आयोजन बहुत ही बड़े लेवल पे किया जाता है। हर साल छठ के पूजा के समय हम लोग इस घाट पर ज़रूर आते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो देख के बहुत अच्छा लगेगा, जैसा कि हमने इंजॉय किया वैसे ही। दोस्तों, हम यहाँ पर एंट्रेंस पर आ गए हैं घाट के और यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं कि इस समय हम अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। और आप आगे चल के देखेंगे कि खूब बड़े बड़े एंट्रेंस के गेट बनाए गए हैं जिन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें, सारा ट्रैफिक वगैरह सब कुछ मेंटेन था जिससे कि किसी को भी घाट तक जाने में कोई भी तकलीफ ना हो। दोस्तों, यहाँ पर हमने गाड़ी पार्क कर ली है और अब हम घाट की तरफ पैदल ही बढ़ रहे हैं। अब जैसे कि देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है, इस समय सुबह के 6 से भी कम का समय है और इस समय आप भीड़ देख सकते हैं। ये मेरे आगे मेरा बेटा चल रहा है और ये मेरे हस्बैंड हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा रौनक और कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर लोगों की। बच्चों के लिए तो यहाँ पर पिकनिक जैसा ही माहौल था क्योंकि उन्हें खाने पीने, खिलौने, बलून्स वगैरह हर चीज़ यहाँ मिल रही है। यहाँ सुबह के 6:30 बज चुके हैं और सभी लोग यहाँ तैयारी कर चुके हैं अपने छठ पूजा के पूरण करने की। आप देख सकते हैं कि सभी लोग यहाँ पर तैयार होकर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही सूरज देवता हमें दर्शन देंगे, उनकी पहली किरण के साथ ही हम छठ पूजा को पूरण करेंगे सूर्य को अर्घ्य देकर। यहाँ पर छठ पूजा की पूरण से पहले ही देखिए कितनी ज़्यादा आतिशबाजी और सब पटाखे वगैरह छुड़ाए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ही इंजॉय करते हैं और हर साल यहाँ पर इस समय काफ़ी ज़्यादा पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं। सूर्य देवता को अर्घ देने का समय होने ही वाला है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिंदूर को लगाया जा रहा है और ये पूजा से पहले की तैयारी है जिसके बाद हम जैसे ही सूर्य देवता को देखेंगे घाट के अंदर औरतें रहेंगी और सूर्य देवता को अर्घ देने के समय का इंतजार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारी ही औरतें सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए अपने अपने सारी, हमारे यहाँ से कोची बोलते हैं, कोची को लेकर खड़ी है पानी के अंदर कि जैसे ही हमें सूर्य देवता के दर्शन हो हम उन्हें अर्घ देकर अपनी छठ पूजा का समापन करें।
पूजा संपूर्ण हो चुकी है और सभी औरतें सूर्य को अर्घ देकर नदी से पानी में से बाहर आ गई हैं और अब वो अपना व्रत पूर्ण करने के बाद अपना व्रत खोलेंगी और इसके बाद हम सभी को प्रसाद देंगी। अब यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा प्रणाम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।